सो हाई वेलकम बैक टू माई चैनल। सो टेक्नोलॉजी के एक और फ्रेश वीडियो का बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद एक प्रॉपर अनबॉक्सिंग वीडियो मैं लेकर आया हूँ। सो ये मैंने ऑर्डर किया है एक ऑडियो कन्वर्टर जो आपके डिजिटल इनपुट को कन्वर्ट कर देता है एक एनालॉग आउटपुट पे। इसके बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे, बट उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका प्रॉपर अनबॉक्सिंग, उसके बाद में बताऊँगा ये मैंने क्यों ऑर्डर किया एंड क्या मुझे इसकी ज़रूरत पड़ गई। सो बिना किसी देर करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Let's get started. Press the bell icon on the YouTube app and never miss an update from Techironki. So, ये है एक ऑडियो कन्वर्टर जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो इसका यूज करके आपके जो टीवी के ऑप्टिकल ऑडियो आउटपुट है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं एनालॉग आउटपुट पे एंड किसी भी पुराने वूफर स्पीकर से कनेक्ट कर सकते हैं। क्या है? आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। ऐसा क्या ऑर्डर किया है? देखो क्या है, कनेक्टिंग के लिए RCA केबल। एक बार दिखाओ बॉक्स में क्या लिखा है। ये है ऑडियो कन्वर्टर डिजिटल टू एनालॉग। अगर आपके पास है आज के अत्याधुनिक टीवी जिसमें 3.5 mm का जैक नहीं मिलता है, इसका यूज़ करके आप अपने एडवांस टीवी, इस तरह का सैमसंग टीवी है जिसमें एक भी नॉर्मल आउटपुट नहीं दिया है ऑडियो के लिए। सो मैं अपने पुराने स्पीकर को कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, सो इसलिए हमने ये ऑर्डर किया है, क्योंकि इससे हम अपने डिजिटल टू एनालॉग ऑडियो को कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ से कोएक्सियल केबल लगेगा जो टीवी से इस पे आएगा एंड यहाँ से ये RCA केबल के ज़रिए कनेक्ट टू वूफर। सो ये इसका काम है। इससे हमारे काफ़ी अच्छे पैसे बच जाते हैं, क्योंकि पुराने स्पीकर आप फिर नहीं कनेक्ट कर पाते टीवी से एंड आपको ख़रीदना पड़ता है एवं महंगे 5-10 हज़ार वाले वूफर्स। सो इसके साथ आपको मिल जाता है एक अडेप्टर जो आपको ये कंटिन्यूस पावर सप्लाई मांगता है, तो यहाँ से आपको कनेक्ट करके पावर देना पड़ता है। ये इसका लाइट है एंड ये यहाँ से ये कनेक्टर है, ये केबल है। केबल को भी ओपन करके दिखाओ। ये है ऑप्टिकल कोएक्सियल केबल। ओके एंड ये है नॉर्मल RCA केबल। हम यहाँ पे लगाएंगे और सेकंड आई थिंक ये टीवी पे लगेगा। सो ये केबल्स हम इस पे लगा देंगे, एक एक, एक रेड पे, एक वाइट पे एंड ये अडाप्टर। अडाप्टर का ये जो DC 5 वोल्ट का इनपुट मांगता है ये, सो उसके लिए ये अडाप्टर। सो ये कंटिन्यूस पावर सप्लाई आपको देना पड़ेगा। सो अगर आप वूफर के पीछे देखेंगे तो यहाँ पे भी ये केबल्स रहते हैं। सो यहाँ पे अगर आपको दिखेगा इनपुट आउटपुट लिखा हुआ है। सो इनपुट वाला सेक्शंस के दो केबल जो पुराने मेरे थे वो मैं निकाल देता हूँ। हमने यहाँ पे जो दो वायर कनेक्ट किया है वाइट एंड रेड, तो हम यहाँ पे भी वाइट एंड रेड कनेक्ट करेंगे। ये वाइट गया इधर, रेड गया इधर। सो ये इनपुट अभी इसको मिलने के लिए वूफर रेडी है। अब इनपुट हमें प्रोवाइड करना है इसका यूज़ करके टीवी से। अभी टीवी के पीछे एक बार चेक करते हैं। ओके, सो ये ऑप्टिकल जैक है, यहाँ पे अब हम ये पिन है हमारा, ये कनेक्ट कर लेते हैं। सो अभी हम यहाँ से सप्लाई देंगे। ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑन हो गया। ओके, अब ये स्पीकर को भी ऑन करना पड़ेगा। वूफर भी ऑन हो गया है, ये भी ऑन हो गया। अब टीवी को ऑन करके हम देख लेते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स से चल जाएगा या हमें कुछ सेटिंग्स में चेंज करना पड़ेगा। ओ वाह, तो चल रहा है, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। जस्ट हमें पीछे करेक्ट किया और यहाँ से आवाज़ आ रही है, आप देख सकते हो। दोनों से प्रॉपरली आवाज आ रहा है। पहला डेस्टिनेशन म्यूट होता है क्या? हाँ, बस यहाँ से कुछ ये रिमोट काम नहीं कर रहा है। एक बार हम लोग सेटिंग्स में देख लेते हैं। ओके, सो रिमोट से कंट्रोल कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ से मैं देख सकता हूँ कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ।
अगर ये प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल्स भी डाल दूंगा, ये लिंक भी डाल दूंगा जहाँ से अमेजोन से आप जाके इसे खरीद सकते हैं। सो मैंने इसे कैसे कनेक्ट किया, कैसे अनबॉक्स किया, वो सारा कुछ आपने अभी तक देख ही लिया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा कुछ यूज केस आपका भी है जहाँ पे आपको ऐसे कोई रिक्वायरमेंट है तो आप डेफिनेटली ये प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।